नमस्कार दोस्तों, कार मेरे आपके आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं फोर्ड की इको स्पोर्ट के बारे में। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फोर्ड की जो इको स्पोर्ट है उसका एक नया वेरिएंट आने वाला है जिसके अंदर की स्पेयर व्हील को हटा दिया जाएगा, तो वो लॉन्च हो चुका है, कल लॉन्च हो गया। उसमें क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या उसकी कीमतें हैं, क्या उसमें नया बदलाव किया गया है या नए वेरियंट पिछले वेरियंट से कुछ अलग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज आपका वीडियो। दोस्तों फोर्ड की इको स्पोर्ट SE वेरिएंट के नाम से पेश किया गया है, जिसको कि टाइटेनियम और S वेरिएंट के बीच में कहीं रखा गया है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज एक्सटीरियर में देखने वाली क्या खासियत होगी, एक्सटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों इसके स्पेयर व्हील को हटा दिया गया, यानी कि पिछले एरिया में इसके जो टेल एरिया है, रियर एरिया है, उसके अंदर बदलाव किया गया है। सबसे बड़ी बात, स्पेयर व्हील हटाया गया, तो जो स्पेयर व्हील हटा के जो खाली जगह बनी उसको भरने के लिए क्या किया गया है, उसके ऊपर जो उसकी नंबर प्लेट नीचे थी वो उसके ऊपर सेंटर में लगा दी गई है, टेल गेट के बीच में लगा दी गई है। वो एक से उससे जगह भर गई है, दूसरा एक देखने में भी सुंदर लग रही है वो, और दूसरी बात उसके ऊपर थोड़ा सा एक क्रोम की पट्टी दे दी गई है ताकि वो थोड़ा सा ऑड ना लगे, कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रहे। और जहाँ नीचे नंबर प्लेट पहले ऑलरेडी लगी होती थी उसको थोड़ा रीडिजाइन किया गया बम्पर को, वो डुअल टोन का बम्पर हमारे लिए पेश किया गया, तो ओवरऑल देखने में लुक ठीक ठाक लग रही है, कहीं पे कुछ कमी नहीं लग रही कि स्पेयर व्हील हटा दिया तो एक खाना पूर्ति कर दी गई, वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बाकी रही बात 16 इंच के अलॉय व्हील्स, थोड़े से बदलाव के साथ वो हमारे सामने पेश किए गए हैं। आइदर मोर और लेस सारी गाड़ी सेम है, हाँ एक थोड़ा सा एक और चीज़ का तो कमी रह गई, वो ये रह गई है कि बाकी सभी गाड़ियाँ ऊपर की तरफ टेल गेट उनका उठता है, इसका अभी भी दरवाजे की तरह ही खुलता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। वो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि अगर आपने स्पेयर व्हील हटाया था तो ऊपर उठना चाहिए, तो थोड़ी जगह कंज्यूम होती है उससे। तो चलिए दोस्तों ये थोड़ी सी इसमें खासियत एक्सटीरियर में जुड़ गई है। अब इंटीरियर में क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों, एस वेरिएंट से क्या क्या चीज़ें मिस करती है गाड़ी। एस वेरिएंट से इसके अंदर लेदर सीट्स नहीं है, फोर्ड माई की ऑप्शन नहीं है, ब्लैक आउट रूफ नहीं मिलेगी इसके अंदर, जो ये सारी चीज़ें हैं जो एस वेरिएंट के अंदर बरकरार है, SE वेरिएंट वो चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। वो कीमतों की बात लास्ट में करूँगा कि जस्टिफाई होता है कि नहीं आता। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं हमें, वो हमें मिल रही हैं 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सिंक 3 की अच्छी खासी खूबसूरती वाले फीचर के साथ आता है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, और साथ में इसके इलेक्ट्रिक सनरूफ और HID हेडलैम्प्स मिल जाते हैं वो जो ऑटोमेटिक हैं, उसके बाद साथ में LED DRLs भी हमें मिल जाती हैं। तो ये सारी खासियतें सारी खूबियों के साथ ये गाड़ी हमारे सामने पेश की गई है, और ये जो एक तरह से कह लीजिए कि ट्रेंड पेश किया गया है कि नई स्पेयर व्हील के बिना गाड़ी कैसी लगती है और इसकी कितनी डिमांड आती है, उस हिसाब से फिर आगे कंटिन्यूटी की जाएगी। वैसे भी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने कहा था एक रूल के अंदर जुलाई 2020 के अंदर कि जिस गाड़ी के अंदर 9 ऑक्यूपेंट्स तक कोई गाड़ी है, जिसके अंदर 9 पैसेंजर तक बैठ सकते हैं, उस गाड़ी के अंदर अगर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है और साथ में एंटी पंक्चर किट दे दी गई है ट्यूबलेस टायर्स के साथ, तो उसमें स्पेयर व्हील देने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ को इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, इस चीज़ को, इस रूल को यहाँ पे अपनाया गया है। तो वैसे भी इस गाड़ी के अंदर भी हमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ ट्यूबलेस टायर भी मिल रहे हैं और साथ में एंटी पंक्चर किट भी मिल रही है। एंटी पंक्चर किट कैसे काम करती है उसके बारे में शायद सबको पता हो कि हमें उसके लिए व्हील उतारना नहीं पड़ता, जो रनिंग व्हील है जो पंक्चर हो गया वो उतारना नहीं पड़ता, उसमें लगे लगाए व्हील के अंदर ही हम पंक्चर लगा सकते हैं और बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें एंटी पंक्चर किट साथ में देना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम साथ में देना, ये बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। इसके साथ अगर जुड़ गई तो स्पेयर व्हील की जरूरत मेरे हिसाब से पड़नी भी नहीं चाहिए। और इन चीज़ों से बाहर आकर फोर्ड इको स्पोर्ट अपने आप को थोड़ा सा और मार्केट के अंदर पुश करना चाहता है। खासियतें बहुत सारी हैं इसके अंदर, सबसे बड़ी खासियत दोस्तों इसके इंजन नहीं बदले गए, 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आ रहे हैं। 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है, 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है, और दूसरी तरफ अगर 1.5 लीटर के डीजल इंजन को देखें तो उसमें 5 स्पीड का
मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाता है। पावर की अगर बात करो तो 121 BHP की पावर 1499 की टॉक के साथ जनरेट करती है जो पेट्रोल गाड़ी है, जिसमें 14 से 16 तक की माइलेज हमें आराम से मिल जाएगी। वहीं पे डीजल गाड़ी जो है वो 99 BHP की पावर जनरेट करती है 215 Nm की टॉक के साथ, जिसके अंदर 21 से 22 की माइलेज आराम से मिल जाएगी। दोस्तों अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे बड़े इंजन वाली गाड़ियों से भी अच्छा परफॉर्म करने वाली गाड़ी है ये। एक खासियत इसकी बहुत खूबसूरत सी खासियत है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है इसकी, वो सारी खासियतें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कमियां जो दूर नहीं की गई वो अभी भी इसके साथ बरकरार है। आउटडेटेड थोड़ा सा इसका डिज़ाइन लगता है, हालांकि मेरे को नहीं लगता पर्सनली, वैसे काफ़ी पुराना हो गया डिज़ाइन तो थोड़ा रिफ्रेश इसको करना चाहिए था। और दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर रियर के अंदर थोड़ी स्पेस की कमी है, वो भी दूर अभी नहीं की गई है। तो बेसिकली गाड़ी वही है, सिर्फ स्पेयर हटाया गया और थोड़े बहुत फीचर्स का फ़र्क जरूर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये गाड़ी हमारे सामने पेश की गई है। लास्ट में दोस्तों आएगी मुद्दे की बात, जो है कीमत। कीमत दोस्तों इसकी रखी गई है 10,49,000, यानी कि 10.49 लाख रुपीज़ कीमत रखी गई है पेट्रोल गाड़ी के लिए। डीजल गाड़ी के लिए इसकी कीमत रखी गई है 10,99,000 रुपये, यानी कि तकरीबन कोई 11 लाख रुपये के करीब वो गाड़ी हमें पड़ती है। तो दोस्तों अगर इन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी हम लेना चाहते हैं तो हम ऑप्शंस तो खैर चूज़ कर ही सकते हैं कि जो हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बट एक ऑप्शन और भी है कि स्पेयर व्हील वाली जो हटाने वाली एक अलग सा एक SE वेरिएंट दिया गया है, उसके साथ साथ रेगुलर वेरिएंट भी चल रहे हैं। तो एक चॉइस है हमारे पास, उसमें से कौन सा वेरिएंट हम चूज़ कर सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों ये आपको कैसी लगी गाड़ी, जो एक कंप्लीट लुक दे रही है या नहीं दे रही। अभी भी आपको ओल्ड स्कूल टाइप जो पुरानी गाड़ी थी वो ज़्यादा पसंद है? मेरे को तो पर्सनली पुरानी गाड़ी जिसमें पीछे स्पेयर भी लगा हुआ तो ज़्यादा थोड़ी सी SUV टाइप की लुक देती थी, रेगुलर गाड़ी से हटके थी। हटके का मतलब या फिर अच्छा भी लग सकता है या बुरा भी लग सकता है, रेगुलर का मतलब रेगुलर ही है। तो बताइएगा दोस्तों ये आपको गाड़ी कैसी लगी और ये वीडियो आपको अपडेट कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।